हेलो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि यदि आप आईटी फिटर ट्रेड से हैं या फिर आप आईटी फिटर ट्रेड से कंप्लीट करने वाले हो तो इस वीडियो को आपको पूरा जरूर देखना चाहिए, क्योंकि आज हम इंटरव्यू में पूछे जाने वाले वो टॉप रिपीटेड क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जो किसी भी स्टूडेंट से पूछा जा सकता है किसी भी प्राइवेट या मल्टीनेशनल कंपनी में। जी हाँ फ्रेंड, यदि आप आईटी फिटर ट्रेड से कंप्लीट कर लोगे, किसी भी कंपनी में जाओगे, लाइक प्राइवेट हो गई या मल्टीनेशनल हो गई, यहाँ पर जो एचआर टेक्निकल राउंड जो भी क्वेश्चन पिकअप करते हैं, जो टॉप रिपीटेड क्वेश्चन है, उन्हीं क्वेश्चन को आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। यदि आप इस वीडियो को पूरा देख कर जाते हो, कुछ भी तैयारी नहीं करते इंटरव्यू की, केवल इस वीडियो को पूरा देख कर जाते हो, 100% आप परफेक्ट तैयार होकर जाओगे और भीड़ से बिल्कुल अलग हो जाओगे, आपके सिलेक्शन होने के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाएंगे। तो चलिए हम जान लेते हैं वो टॉप रिपीटेड क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन को जानने से पहले सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि जब आप इंटरव्यू के लिए जाते हो तो वहां पे क्या देखा जाता है। दोस्तों, इंटरव्यू में क्वेश्चन के अलावा भी काफी चीजें मैटर करती हैं, लाइक आपका बिहेवियर, आपका कम्युनिकेशन स्किल्स, आपका दोस्त पहनावा, ये सब कुछ मैटर करता है, होल बॉडी लैंग्वेज मैटर करता है। यदि आप इस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करेंगे तो हम इस टॉपिक पर भी वीडियो ला देंगे। बाकी आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे टॉप रिपीटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में, आपको जिन्हें जरूर पता होना चाहिए। जान लेते हैं दोस्त उन टॉप रिपीटेड क्वेश्चंस के बारे में जिनके बारे में टेक्निकल टीम आपसे जरूर पूछेगी यदि आप फिटर ट्रेड से हैं, चाहे आप प्राइवेट कंपनी में जाओ चाहे मल्टीनेशनल कंपनी में जाओ, आपको इन बेसिक क्वेश्चंस के बारे में जरूर पता होना चाहिए। अब वो बेसिक क्वेश्चन कौन कौन से हैं, तो चलिए आप जान लेते हैं वो बेसिक क्वेश्चन कौन कौन से। सबसे पहला क्वेश्चन तो यही बनता है, यदि आप फिटर ट्रेड से हैं तो आप बताइए कि फिटर कहते किसे हैं। दूसरा ये बनता है कि फिटर के टाइप कितने हैं। तीसरा है कि फिटर का मुख्य औजार क्या है, फिटर के कितने टाइप हैं, और दोस्त फिटर का काम क्या होता है, फिटर किसे कहते हैं, जैसे कि हमने पहला क्वेश्चन आपको बताया। और फिर उसके बाद आपसे पूछा जा सकता है कि आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेस बताइए, आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकनेस क्या है, और दोस्त आपकी क्वालिटी क्या है, ये भी सब चीज़ें पूछी जा सकती हैं। तो आपको इनके बारे में भी तैयार करके जाना है। और भी क्वेश्चंस पिकअप किए जा सकते हैं टेक्निकल टीम के द्वारा, जैसे कि फिटर का फुल फॉर्म आप बताइए, फिटर की क्या क्वालिटी होनी चाहिए। तो चलिए हम इन सभी क्वेश्चंस के आंसर को बारीकी से समझते हैं, और आप दोस्त जब वहाँ पर जाओ तो आपको भी टेक्निकल टीम से, एचआर टीम से, जो भी आपसे क्वेश्चंस कर रहा है, जो भी बैठा आपके सामने, उसके सामने कैसे डील करना है, ये भी चीज़ आप यहाँ से समझ जाओगे। जब आपसे पूछता है कोई भी टेक्निकल टीम का बंदा, मैनेजर हो, सुपरवाइजर हो, जो भी आपका इंटरव्यू ले रहा है, यदि पूछता है कि ये बताओ आप कि फिटर किसे कहते हैं, तो सबसे पहला क्वेश्चन जो बनता है कि फिटर कहते किसे हैं। आपने फिटर ट्रेड से तो कर लिया है, तो आप बताओ कि फिटर कहते किसे हैं। तो दोस्तों आपको इसके आंसर में बताना एकदम से शॉर्ट में, बहुत सारी चीज़ें आपको समझा देना है कि मशीनों यंत्रों के पुर्जों के निर्माण एवं मरम्मत और दोस्तों उनकी कटिंग फिटिंग के काम करने वाले मिस्त्री को फिटर कहते हैं। ठीक है, इतना आप शॉर्ट में समझा दोगे तो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। क्या बताना है आपको, मशीनों यंत्रों के पुर्जों के निर्माण कटिंग फिटिंग और मरम्मत करने के काम करने वाले मिस्त्री को फिटर कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन जो आपसे बन सकता है, यही पूछा जा सकता है कि फिटर के आप टाइप बताइए। तो फिटर के टाइप में बताना है आपको, मशीन फिटर, डाया फिटर, पाइप फिटर, वेल्डिंग फिटर, मेंटेनेंस फिटर, इस टाइप के फिटर होते हैं। फिटर के क्या काम होता है, फिटर काम यही होता है, फिटिंग का ही मेन काम होता है, डाया फिटिंग, स्ट्रक्चर फिटिंग, पाइप फिटिंग का काम करते हैं। इसके अलावा फिटर का काम होता है वेल्डिंग और दोस्त मार्किंग, मेजरिंग, ये भी फिटर का काम होता है। तो आपको बताना है यही फिटर के काम में। ओके, फिटर के टाइप में आपने जैसे मैंने बताया यही आपको ध्यान में रखना है। दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा सकता है कि फिटर का फुल फॉर्म बताइए। तो आपको फिटर के फुल फॉर्म में बताना है कि फाउंडेशन ऑफ इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग, क्या बताना है, फाउंडेशन ऑफ इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग एंड टेक्नोलॉजी रिसोर्सेज। ओके, क्या बताना है दोस्त, फाउंडेशन ऑफ इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग एंड टेक्नोलॉजी रिसोर्सेज, ये फिटर के फुल फॉर्म में आपको बता देना है। ओके, दोस्त आपसे पूछा जा सकता है फिटर की क्वालिटी बताइए। तो फिटर की क्वालिटी में आपको बताना है कि क्रिएटिव होना चाहिए, टाइम का पाबंद होना चाहिए, हॉनेस्ट होना चाहिए, और भी कुछ बता सकते हैं आप। आपसे स्ट्रेंथ के बारे में पूछ सकते हैं, आपसे आपकी वीकनेस के बारे में पूछते हैं। तो स्ट्रेंथ में बताना है आपको कि आप वेल कॉन्फिडेंट हैं और आप क्विक लर्नर हैं और आप हॉनेस्ट हैं, ये आपको क्वालिटी में बताना है। वीकनेस में पूछते हैं तो आप ये भी बोल सकते हैं कि वीकनेस हमारी ये है कि हम किसी काम को यदि करना चालू करते हैं तो जब तक वो ख़त्म नहीं हो जाता तो हम अपना खाना पीना भी भूल जाते हैं, मतलब बिल्कुल ऑनेस्टली उस काम के प्रति हम समर्पित हो जाते हैं जब तक वो ख़त्म ना हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा सकता है दोस्त कि आप फिटर क्यों बनना चाहते हैं, ये बताओ कि फिटर बनना क्यों चाहते हो आप। तो आपको इसके आंसर में देना है कि आप बचपन से ही जो है तो मशीनों को खोलना, जोड़ना, उनके पुर्जों के बारे में जानना, ये सब कुछ आपके जो है नेचर में रहा, यानी कि आप बचपन से ये काम करते आ रहे हो, तो आपकी रुचि इसी पर है, इसीलिए आप फिटर जो है चुने और आपने फिटर पर जो है आईटीआई किया है। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है फिटर की क्वालिटी बताइए। तो आप फिटर की क्वालिटी बताओ कि टाइम का पाबंद होना चाहिए, कॉन्फिडेंट होना चाहिए और दोस्त क्विक लर्नर होना चाहिए, और ये सब कुछ आप फिटर की क्वालिटी में बता सकते हो। जब आप एचआर राउंड आपका होगा तो आपसे पूछा जाएगा कि आपकी सैलरी एक्सपेक्टेशन क्या है, तो आप वहाँ पर बोल सकते हैं कि जो भी कंपनी का नाम्स है हमें वो एक्सेप्ट है, जो भी कंपनी प्रोवाइड करती है किसी फ्रेशर स्टूडेंट को, क्योंकि दोस्त यहाँ पर यदि आप फ्रेशर हो, आपके पास कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है, स्किल्स नहीं है, तो आपको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा चाहे आप कहो या ना कहो। बट यदि आप बोल देते हो तो एचआर को भी अच्छा लगेगा और उसके कानों को सुनने में अच्छा लगेगा और आपका सिलेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। ठीक है, क्योंकि वैसे भी वो कंपनी के नाम्स के अकॉर्डिंग जो फ्रेशर को प्रोवाइड करता है उतना ही आपको देने वाला। थैंक यू, चैनल विजिट करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि वीडियो से हेल्प मिलता है तो वीडियो को शेयर करिए, जो भी बंदे आईटीआई फिटर से हैं
सो थैंक यू चैनल विजिट करने के लिए। यदि और कोई भी हेल्प चाहिए तो आप हमें इंस्टाग्राम में मैसेज कर सकते हैं, हमारे इंस्टाग्राम की आईडी है प्रकाश वाजी ऑफिशियल। धन्यवाद।